नमस्कार, कुकिंग विद शीला में आपका स्वागत है। आज उड़द की दाल की कचौड़ी बनाएंगे। उनके लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है, आइए वो देख लेते हैं। खाने में एकदम बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। अचार से, दही के रायते से, किसी से भी खा सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। उसके लिए लिए मैंने एक कटोरी धोके उड़द की दाल, बिल्कुल घर की दाल है। इसे मैंने भिगो लिया 2 घंटे, उसके बाद मैंने इसके चुक्कर निकाल दिया और साफ़ कर लिया। इसे अब हम मिक्सी में पीस लेते हैं। इसमें डालूंगी जो 3 हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च डाल दी है इसमें, 1 पिंच अदरक का टुकड़ा इसी में पीस लेंगी, बाद में दिखाती हूँ। आधा कप पानी डाल दिया है, इसलिए अच्छी सी बारीक पिस जाए पानी से। मिक्सी में दाल को बारीक पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लिया। इसमें हरी मिर्च डाल लिया 2, और थोड़ा सा अदरक। एकदम ऐसे पेस्ट बना लूँ, बिल्कुल पिस गई है। एक कटोरी आटा लिया है हमने, देख लीजिए, गेहूं का आटा है 1 कटोरी। अब इसमें हम ये दाल का बैटर बनाया, इसे डाल लेते हैं। पूरी दाल इसी में ऐड कर लिया। आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, 2-3 कड़ी पत्ता सुखा के पीस लिए हैं जी मैंने, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, इनसे कलर लाल हो जाता है, अच्छी लगती हैं, आधी चम्मच सौंफ। स्वाद अनुसार आधी चम्मच नमक, इन्हें सब मिला के अच्छी तरह से। 1 चम्मच डाला देसी घी, घी डाल सकते हैं, तेल हो तेल डाल लो, ऑप्शनल है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से फेंट के लगा लो आटे को। आटा लग के बिल्कुल तैयार हो गया, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए। 5 मिनट हो गए, अब देखते हैं आटा कैसा हो गया। आटा बिल्कुल रेडी है कचौड़ी बनाने के। थोड़ा सा इसमें घी लगा लेते हैं। छोटी छोटी ऐसी लोई बना के तैयार कर ले। लोई बना ली है, छोटे छोटे ऐसे लोई बना लो सारे, उसके बाद इन्हें तलते हैं। देखते हैं, कहीं भी सफ़र में भी ले जा सकते हो बहुत आसानी से, ख़राब नहीं होती हैं जल्दी, 2-3 टाइम आराम से खा सकते हो। देखते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं, तेल अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें देखो अच्छे अच्छे एकदम तेल गर्म है, इसमें हम पूरी छोड़ देंगे कचौड़ी। एकदम फूल गई हैं,
एकदम आसान सी रेसिपी है, आराम से 2-3 टाइम कहीं सफर में भी आप आसानी से बना के ले जा सकते हैं, और अचार के साथ आम के अचार, नींबू के अचार से आराम से खा सकते हैं। एकदम अब बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब यह सारी सेक ले लो, सब सेक साथ है। कचौड़ी बनकर रेडी हो गई हैं, बिल्कुल एकदम नरम मुलायम कचौड़ी, बिल्कुल खस्ता। आम के अचार से, दही से, किसी भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बिल्कुल मुलायम है, फूली फूली कचौड़ी है एकदम। एक बार ट्राई ज़रूर करें, घरेलू रेसिपी है, आराम से घर में हर चीज़ जो है मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की।